वाले को प्रत्येक दिन का पैसा एक सप्ताह का दे देते हैं, आप लोग को पैसा देने की जरूरत नहीं। 20,000 रुपया है आज शाम से पूरी सब्जी एक सप्ताह खाती राशन। मधेपुरा सांसद पप्पू यादव एक बार फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह पप्पू यादव जगह जगह जा जाकर लोगों से मिल रहे हैं। पैसों की मदद लोगों के हाथों में दे रहे हैं और बाढ़ से जो लोग परेशान हैं उनकी मदद कर रहे हैं। यह नजारा आपने पहले भी देखा होगा जब पप्पू यादव किसी के हाथ में ही कैश दे देते हैं। ऐसा आज शाम से पूरी सब्जी एक सप्ताह खाती राशन जी। आज तो हम लोग मक्की मस्जिद में है सर, कल से स्टार्टिंग, कल से कर दो सबका खाना। तस्वीरें गवाह हैं जब पप्पू यादव SDRF की टीम के साथ बोट पर जगह जगह जाकर बाढ़ के हालातों का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सांसद पप्पू यादव के हाथ में नोटों की गड्डी है और बोट पे बैठ के पप्पू यादव अलग अलग जगह जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें मदद कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ से बिहार का एक बड़ा हिस्सा भारी रूप से प्रभावित हो गया है। 10,000 सरकारी भी ना है, पैसा रखिए, हमारे टोला में दिया हुआ, हमारे टोला में दिया हुआ, पर नहीं करता। हम लोग पैसा दे करके पार बोले ना सर, हम भी वादा कर रहे हैं। सरकारी में तू व्यक्तिगत है ना, तो सरकार ना देते, हम जाने चाहिए सरकार सब। इस बीच इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। सरकार अलग अलग तरह के वादे करती है मगर धरातल पर हालात कुछ और हैं, और इसीलिए पप्पू यादव ने ये जरूरी समझा कि वो लोगों की मदद करने खुद मैदान में उतरे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर उनकी मदद पप्पू यादव कर रहे हैं।